कूलर के सामने सोते रहे लोग, चोर ले उड़े लाखों रुपए व जेवरात। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए नकदी के साथ लाखों रुपए के आभूषणों को पार कर दिया। घर के सभी लोग गर्मी होने की वजह से कूलर के सामने सो रहे थे। कूलर की आवाज की वजह से परिवार के लोगों को चोरी की वारदात का पता तक नहीं चला। मामला शिवनगर कॉलोनी नर्सरी गेट के सामने का है, जहां दो भाई रामदीन और राम प्रसाद एक ही मकान में रहते हैं। बीती रात को दोनों भाइयों का परिवार कूलर के सामने सो रहा था। इसी दौरान देर रात को अज्ञात चोरों ने छत के सहारे सीढ़ियों से होते हुए घर में घुसकर उनके कमरों के ताले तोड़ दिए। कमरे के ताले तोड़ने के बाद चोर लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण और करीब 6 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। शनिवार सुबह के पहर जब घर के लोग नींद से जागे तो उन्हें चोरी की घटना का पता चला। कमरे के ताले टूटा हुआ देखकर परिवारी जनों के होश उड़ गए। अज्ञात चोर 5 सोने की अंगूठी, 4 चूड़ी सोने की, 1 चैन सोने की, 1 जोड़ी ब्रजवाला सोने की तोड़िया, करधनी और 6 लाख रुपए की नकदी के साथ अन्य सामान लेकर फरार हो गए। पीड़ित रामदीन के पुत्र कृष्णपाल ने बताया कि उसके पिताजी नगर परिषद में नौकरी करते थे और गत वर्ष जुलाई में उनका रिटायरमेंट हुआ था, जिसका पैसा उन्हें मिला था। घटना की जानकारी पीड़ित ने निहालगंज थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरी की घटना का जायजा लिया है। निहालगंज थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़ित दोनों भाइयों ने रिपोर्ट दे दी है, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश की जा रही है। नाम बलवीर, मेरे घर में रात को चोरी हुई थी। घर में सो रहे थे और चोरों ने निशाना बनाया घर को। सिमनगर कॉलोनी में रहने वाला हूँ और 12-13 लाख की चोरी हुई। कैश कितना हुआ? कैश अपना 6 लाख।